हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्स में पूछे गए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लगभग हर टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले का आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं आपके साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके सही आंसर्स तक आपको ले जा सके। चलिए, तो यस, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस डू नेविगेटर्स एंड स्कल्प्टर्स हैव। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंटेलिजेंस नेविगेटर मतलब एक तरीके से रास्ता दिखाने वाले और रास्ता बताने वाले, एंड स्कल्प्टर्स मतलब मूर्तिकार, ओके, में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। एक है प्रकृतिवादी, देन स्पैटियल एंड अंतर्वैयक्तिक, और दूसरा है शारीरिक गतिक यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक, ओके। इंग्लिश में नेचुरलिस्टिक मतलब प्रकृतिवादी, स्पैटियल मीन्स स्थानिक, और इंटरपर्सनल मतलब अवैतिक। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो है नेविगेटर्स एंड स्कल्प्टर्स, ओके। तो मूर्तिकारों और नेविगेटर्स जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो रास्ते की ज़्यादा पहचान करते हैं, ओके, जो उस एरिया को जानते हैं। तो यहाँ पर यदि नेविगेटर्स का आंसर लेकर के मेरे को जानकारी है, तो इसका आंसर स्थानिक होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने स्थानीय एरिया इत्यादि की जानकारी होती है, तो स्थान के बारे में जानकारी रखते हैं, तो दैट इज़ इसका आंसर होगा स्पैटियल, ठीक है। चलिए, तो ये स्पैटियल होना चाहिए इसका आंसर, और वाकई में अभी हमने आंसर्स भी यहाँ पर डिस्प्ले शायद हो गया था, तो स्पैटियल ही है इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू, फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डेट स्टडीज द ग्रोथ बाई ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द सेम इंडिविजुअल फॉर अ वेरिएबल पीरियड ड्यूरिंग हिज और हर ग्रोथ। ये कौन सी विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति का प्रेक्षण करते हुए एक निश्चित टाइम में, ओके, और उसकी डेवलपमेंट के दौरान, ओके, ग्रोथ के दौरान, शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बाई ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द सेम इंडिविजुअल्स फॉर अ वेरिएबल पीरियड। एक मतलब वह विधि बतानी है आपको जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन जो हो रहा है एक दूसरे व्यक्ति के साथ, यहाँ पर शायद कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी स्टडी हुआ करती है, समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए। तो देखिए, यहाँ पे फॉर अ वेरिएबल पीरियड, एक इंडिविजुअल पर्सन है, द मेथड इज स्टडीड ग्रोथ बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द सेम इंडिविजुअल। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, मिश्रित विधि, लॉन्गिट्यूडनल मेथड यानी अंतर्वर्ती विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड मतलब क्रॉस अनुभागी विधि, एंड एक्सटेंडेड मेथड। देखिए, एक जो है अनुदैर्ध्य विधि होती है, उसमें वंदा एक ही रहता है, ओके, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की आप स्टडी करते हैं और एक फिक्स टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये मुझे आ रही है कि यहाँ पर परिवर्तनशील अवधि यानी कि वेरिएबल पीरियड कहा गया है, ओके, तो इसका जवाब मुझे दे पाना पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। चलिए, इसका आंसर देखना पड़ेगा। इसका आंसर करेक्ट है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, तो इसको याद कीजिए आप लोग, ओके, इसका आंसर है ऐसी जो वृद्धि होती है उसे आप लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कहते हैं। तो मतलब अनुदैर्ध्य विधि, अनुदैर्ध्य विधि वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। मतलब मान लो ये कैंडिडेट ए है, ओके, और इसको एक अनादर कैंडिडेट ए के रेस्पेक्ट में आप मेज़र करते हैं और तुलना करते हैं इसकी वृद्धि की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री का कहना है कि सक्सेस इज द मोस्ट क्रूशियल इन स्कूल परफॉर्मेंस बिकॉज इट हेल्प्स इन चाइल्ड। सक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विद्यालय के प्रदर्शन में सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चे को क्या मदद मिलती है। फर्स्ट,
अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, नो वे, मैं एग्री नहीं हूँ कि ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए सक्सेस की जरूरत है, परीक्षा पास करना, नो वे, बिल्कुल नहीं है, पुरस्कार जीतना, ये भी एक तरीके का लालच है, अगर ऐसा होने लग जाए तो बच्चे पुरस्कार के लिए ही परीक्षा देने लगेंगे, अधिगम के संबंध में अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करना, साइकोलॉजिकल रीजन ये बन रहा है कि फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग, ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आंसर सही कि गलत। एग्जैक्टली आंसर आपका बिल्कुल सही है, फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हुए। चलिए अगला, इन्फेंट्स आर इन एट एन ईयरली स्टेज आर हाईली, बच्चे जो ईयरली स्टेज होती हैं जब वो पैदा होते हैं, छोटे से होते हैं, ओके, प्रारंभिक अवस्था में शिशु की बात हो रही है, इन्फेंट्स की बात हो रही है, मतलब दूध पीने वाले बच्चे, अत्यधिक क्या होते हैं, बहिर्मुखी एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, अनशेल्फिश निस्वार्थ होते हैं, ईगोसेंट्रिक मतलब कि स्वकेंद्रित होते हैं, एंड परोपकारी जो होते हैं दूसरों का परोपकार करते हैं, ओके। तो देखिए ऑल्ट्रिस्टिक बोलते हैं परोपकारी को, तो परोपकारी, परोपकार की भावना, बेचारा खड़ा तो हो नहीं पा रहा, क्या परोपकार करेगा, ओके। निस्वार्थ, स्वार्थ और निस्वार्थ, उसके पास दिमाग उतना डेवलप मतलब वृद्धि होती है मगर स्वार्थ और निस्वार्थ की बात नहीं। एक्स्ट्रोवर्ट भी यार कहाँ से एक्स्ट्रोवर्ट, दिन भर रोता रहता काय का एक्स्ट्रोवर्ट, ओके। ईगोसेंट्रिक की बात हो सकती है कि यहाँ पर वो जो बच्चे होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं, उनकी छोटी सी दुनिया होती है और वो केवल अपने बारे में ही रहते हैं ना, कि मुझे खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, ओके, इस तरीके से, तो इनको ईगोसेंट्रिक कहा जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सभी का, करेक्ट आंसर इज ईगोसेंट्रिक। चलिए देन बात करते हैं यार, ये मॉस्लो का सिद्धांत कितने बार आ चुका है इस MPTET के पेपर में, मॉस्लो कई बार आया है, मतलब हर बार मॉस्लो का सिद्धांत आया। कन्वेंशनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड्स आर एक्सप्लेन बाई मॉस्लो थ्योरी, तो मॉस्लो की थ्योरी में कितने प्रकार की नीड्स को बताया गया है, कितने प्रकार की नीड्स को बताया गया है। तो मॉस्लो की थ्योरी जिन लोगों ने पढ़ी है उसमें इसके पहले जो कुछ लेक्चर्स कराए थे मैंने, तो उसमें मैंने चार तरीके की मॉस्लो नीड्स पढ़ाई थी, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार तरीके की मॉस्लो नीड्स ही होती हैं, मैंने चार तरीके की मॉस्लो नीड्स पढ़ाई थी, ओके, कि बच्चे के विद्यालय में प्रवेश करने के दौरान उसकी कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, दो हैं, छः हैं, पाँच हैं, तीन हैं। तो मॉस्लो की कितनी प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, तो मॉस्लो की जो आवश्यकताएँ होती हैं वो चार तरीके से होती हैं, तो तीन तो हो नहीं सकता है, दो भी हो नहीं सकता है, चार तो मैंने पढ़ा रखी है, मतलब आंसर छः या पाँच में से कोई एक है, ओके। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है पाँच, बिल्कुल सही। तो इसकी पाँच तरीके की आवश्यकता है मॉस्लो की नीड्स की। चलिए अगला, एन एक्स्ट्रोवर्ट चाइल्ड वुड, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा, चलिए तो ये एक तरीके का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा, बहिर्मुखी मतलब जिसके मन में सब कुछ निकाल देता है, बिल्कुल बोल देता है हर चीज़ फटाफट, है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रोवर्ट बच्चा। सो टेंड टू थिंक थिंग्स थ्रू इनसाइड योर हेड, अपने आंतरिक मस्तिष्क में चिंतन को प्रवृत्त करें, बिल्कुल नहीं, आंतरिक वो अंदर ही अंदर नहीं सोचता है, बल्कि जो भी चीज़ें उनको फटफट फटफट कर देता है, मतलब स्पीड होती है उस बच्चे में। रैदर जस्ट ऑब्जर्व, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करें, नहीं भाई निरीक्षण क्यों करेगा, निरीक्षण के बाद बोलेगा भी, ओके। अधिक चिंतन और बातचीत कम करें, भाई ये तो होता ही नहीं, एक्स्ट्रोवर्ट बच्चे तो बहुत बटबट करते हैं, ओके। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल है, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करें, लाइक टू बी इन फास्ट प्लेस्ड एनवायरमेंट। तो देखिए जो तीन ऑप्शंस ऊपर के हैं वो थोड़े से सपोर्टिव नहीं है, मगर इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो तीव्र वातावरण में रहना सपोर्ट करे, एक्स्ट्रोवर्ट है, हर चीज़ का रैपिड आंसर देगा, जल्दी से देगा, उसी चीज़ को इन लोगों ने यहाँ पर शायद तीव्र वातावरण कह दिया है। तो मेरा आंसर जवाब फोर है, देखते हैं क्या है सही आंसर, करेक्ट आंसर है फोर, तीव्र वातावरण में रहना जो है वो पसंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, द टर्म पर्सनालिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, पर्सनालिटी जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, ओके, यस, तो पर्सनालिटी जो है वर्ड कहाँ से आया है, बीएड की किताबों का क्वेश्चन है कि वर्ड पर्सनालिटी कहाँ से लिया गया है, ओके ओके। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कैरिकुलम, ओके, वो वर्ड कैरिकुला से बना है, खेल का मैदान इत्यादि। तो जिन लोगों ने पर्सनालिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये नन ऑफ द अबव, अरे अबव तो लास्ट में आना था भाई, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पर्सनालिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड होना चाहिए, ओके, देखते हैं क्या मेरा गेस सही है, लैटिन वर्ड होना चाहिए पर्सनालिटी, एग्जैक्टली, सो पर्सनालिटी इज अ लैटिन वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द असेसमेंट रिजल्ट फ्रॉम पर्सनालिटी बेस्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट आर, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन का परिमाण है,
व्यक्तित्व आधारित असेसमेंट रिजल्ट फ्रॉम पर्सनालिटी बेस्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो व्यक्तित्व आधारित मतलब जो पर्सनालिटी बेस्ड हैं, ओके, एंड अनुमानी प्रशिक्षणों के मूल्यांकन के जो परिणाम हैं वो क्या हैं, नंबर फुल प्रूफ हैं, विवादास्पद हैं, व्यर्थ हैं या वस्तुनिष्ठ हैं। वस्तुनिष्ठ हैं, बताइए कैसे हैं। अनुमानी परीक्षणों मतलब कि असेसमेंट रिजल्ट फ्रॉम पर्सनालिटी, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षण के परिणाम क्या है। अगर आप किसी बच्चे के व्यक्तित्व के आधार पे उसके असेसमेंट रिजल्ट बना रहे हैं तो इनको क्या कहा जा सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्तित्व खराब हो तो बच्चा पढ़ने में तेज ना हो? बिल्कुल हो सकता है। या व्यक्तित्व अच्छा हो फिर भी बहुत गधा हो, गधा इन द सेंस स्लो लर्नर, पेडागोजी की भाषा में गधा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सॉरी। तो क्या होना चाहिए, क्या हम कह सकते हैं अनुमानित परीक्षण के परिणाम? फुल प्रूफ सरल हैं, कॉन्ट्रोवर्सियल विवादास्पद हैं, फर्टाइल यानी व्यर्थ हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पॉइंट वाइज कुछ एक तरीके से कहा जाए कि जैसे एक चीज़ के चार ऑप्शंस, तो वस्तुनिष्ठ कहलाता है। फर्टाइल कहना सही रहेगा, कॉन्ट्रोवर्शियल कहना सही रहेगा। तो मेरा हिसाब है, मेरा जो ज्ञान कह रहा है कि इसे आपको कॉन्ट्रोवर्शियल मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के व्यक्तित्व के आधार पर आप उसका असेसमेंट ले रहे हो, तो व्यक्तित्व अच्छा खराब हो सकता है, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल कहना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9। द चाइल्ड वरीज ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट गेटिंग हर्ट, ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, द चाइल्ड वरीज ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट गेटिंग हर्ट, मतलब हमें चिंता नहीं हो रही है, बच्चे को हो रही है चोट लगने के बाद, ओके, बच्चा वरीड है, बच्चा जो है परेशान है, ओके, लेकर के चिंता में है कि तो ये इसका कारण क्या है? स्वलीनता, ऑटिज्म, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, अटेंशन डिफेक्ट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, चिंता विकार एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। देखो भाई चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। बच्चा सोचता है कि मुझे चोट लग सकती है, ऐसा क्यों है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी, ये तो कहीं से कहीं तक लर्निंग डिसेबिलिटी है ही नहीं, अफेजिया, डिस्प्लेसिया, डिस्पेजिया वगैरह कुछ भी नहीं है ये। ऑटिज्म मतलब अपने आप में ही खोए रहना, ऑटिज्म भी नहीं है, ओके। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यानाभाव, ये ध्यानाभाव नहीं है भाई, किसी चीज़ में ध्यान ना लग पाना ध्यानाभाव होता है, और तो ये क्या हो सकता है? तो तीन ऑप्शन क्रॉस होने के बाद ये एनेक्साइटी डिसऑर्डर है, मतलब चिंता विकार है एक तरीके का, ये चिंता विकार है, एनेक्साइटी डिसऑर्डर है, ओके। तो करेक्ट है बिल्कुल आंसर हमारा, एनेक्साइटी डिसऑर्डर। सो गाइज हम लोग देखो तीन आंसर्स गलत कर रहे हैं और अपने राइट आंसर को पहुँच रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें से कौन सा जो है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिक अंतर नहीं है, ओके, लाइकली टू बी अफेक्ट लर्निंग, जो कि अधिगम को प्रभावित करे, जो कि अधिगम को प्रभावित करे, ओके, इसमें से कौन सा अंतर व्यक्तिक अंतर, व्यक्तिक अंतर नहीं है, जो संभवतः अधिगम को प्रभावित करता हो। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब दो लोग हैं, दो लोग में यकीनन उनके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ओके, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक इन दोनों के बीच में एक इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसके बीच में जो कौन सी इनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, ओके, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो इनकी लर्निंग को इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो कुछ भी हो। नंबर वन, शरीर द्रव्यमान, भाई कोई मोटा है कोई पतला है चाहे कितना भारी है, इससे लर्निंग का कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे तो पहले में ही आंसर ये समझ में आ गया। दूसरा, बुद्धिमत्ता, भाई अगर लो लेवल हाई इंटेलिजेंस है, हाई लेवल इंटेलिजेंस है तो इफेक्ट तो करेगी, एक्सपीरियंस इफेक्ट करेगा। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन, एक बच्चे को आप बहुत गंदे मोटिवेशन में रख रहे हो और एक बच्चे को बहुत अच्छे मोटिवेशन में रख रहे हो तो इफेक्ट होगा, बट बॉडी मास एक ऐसी चीज़ है शायद यहाँ पर जो इफेक्ट नहीं करेगी। लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही, द्रव्यमान, शरीर द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनैलिटी टेस्ट क्रिएटेड बाई कैटल, ओहो कैटल द्वारा पर्सनालिटी टेस्ट कौन सा बनाया गया? भाई रटने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते हो, रट के गए हो तो बनेगा, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा।
सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट वाक्य पूर्ण परीक्षण NEOFFI 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर एंड लोकस ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का ठिकाना। कौन सा टेस्ट इसमें जो है कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है। इसके पहले हमने क्लासेस में साइकोसोशल टेस्ट के बारे में पढ़ाया था, मनोसामाजिक परीक्षण बताया था आपको मैंने, बट ये कैटल का टेस्ट है। इसमें से कौन सा टेस्ट जो है तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है। ओके, व्यक्तित्व परीक्षण, तो मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि व्यक्तित्व परीक्षण कैटल ने कौन सा तैयार किया है, तो मैं इसमें अपने आपको जीरो मार्क्स देता हूँ कि मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो मुझे आंसर पे ही देखना पड़ेगा। बट यदि तुक्का मारा जाए तो मैं किस पे तुक्का मारूंगा, तुक्का मारने की बात हो जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा भजनदार टाइप का आंसर लग रहा है C 3 16 क्वेश्चन ना, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, एक तरीके से इसमें 16 क्वेश्चन की लिस्ट आ रही है, तो ये मुझे थोड़ा सा हल्का सा मजबूत टाइप का ऑप्शन दिख रहा है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर, पर्सनालिटी क्योंकि यहाँ पे भी पर्सनालिटी आया है और यहाँ पे भी पर्सनालिटी आया है, तो मैं यदि तुक्का मारूंगा तो मैं इसी पे जाऊँगा। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चन आया, चलिए देखते हैं कि इसका आंसर सही है क्या, और इसका आंसर बिल्कुल सही हो गया है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आया, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एन एप्टीट्यूड टेस्ट एनी एस्टिमेट ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ अकम्प्लिशमेंट इज, एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावनाओं का कोई भी अनुमान कैसा है। एक संभावना है, एक निश्चितता है, एक प्रश्न है, एक धारणा है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो एक एस्टिमेट देता है, एक अनुमान देता है, एक अनुमान आपको बना देता है किसके पर्सन के भविष्य की पॉसिबिलिटीज़ का, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का, अकम्प्लिशमेंट, ठीक ना। चलिए, उसके अंदर कौन कौन सी उपलब्धियां हैं उसकी संभावनाओं की जानकारी देता है। अब वो कैसा टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा है, एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक सर्टेनिसिटी है, एक निश्चितता है, एक प्रश्न है और एक धारणा है। भाई प्रश्न तो बिल्कुल गलत, फर्जी क्वेश्चन हो गया एकदम, प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, काय को प्रश्न है भाई, टेस्ट ले रहे हो तो उत्तर निकालोगे ना। निश्चितता नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट से निश्चितता नहीं आती। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट तो निकाल लेते हैं मगर उनके अंदर वो वाला एप्टीट्यूड नहीं होता है, प्रैक्टिस एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। ओके, तो एक संभावना ही कही जा सकती है, एक संभावना, जैसे आप टीचर्स का एग्जाम दे रहे हो, टेट का एग्जाम दे रहे हो, अब टेट के एग्जाम में भी एक ये क्या कहला सकता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, टेट का एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, TAT, तो एक एग्जाम हुआ जैसे आपका TAT का, एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एलिजिबिलिटी में भी एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये शिक्षा शास्त्र क्या है, एप्टीट्यूड ही तो देख रहा हम लोग का, मगर इसको उस बंदे ने भी निकाल लिया जो बंदा जो है बहुत सरल पेपर आया, तो उस बंदे ने भी निकाल लिया अपनी सामान्य जानकारी से जो जिसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, तो एक निश्चित संभावना नहीं देगा ये, तो एक क्या देगा, एक मोटा मोटी एक संभावना दे देगा, बट निश्चितता की बात मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ओके आंसर चेक कर लें, एक प्रॉबेबिलिटी, ओके बिल्कुल सही है, तो एक संभावना ही है इसका आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन जाना, दो ही हो सकते हैं, या तो आगमनात्मक और या निगमनात्मक। ओके, तो एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन जाना कौन सी मेथड है, इंडक्टिव या डिडक्टिव। तो जब आप उदाहरण से एग्जाम्पल से एक फॉर्मूले की तरफ जाते हैं तो ये कहलाता है आगमन। ओके, ये कहलाता है आगमन। सो ये जो है आगमनात्मक मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, जब आपके पास एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, कुछ चीज़ों के रिजल्ट पता है, आपको P1 पता है, स्टेटमेंट P2 के लिए पता है और आप इससे N के लिए स्टेटमेंट बता लो, तो ये कहलाता है आगमन करना। और अगर इसका उल्टा करते हैं तो क्या है, निगमन करना। ओके, वो आप निगमन करना मतलब आपके पास सूत्र है और सूत्र से आप किसी विशेष समस्या को हल कर रहे हैं, तो सूत्र से समस्या अगर आप हल करते हैं तो वो है निगमन, और आपके पास कोई पर्टिकुलर उदाहरण है और आप इससे सूत्र प्रकट कर रहे हैं तो ये क्या है, आगमन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की ओर जा रहे हैं तो ये है आगमनात्मक सिद्धांत, बिल्कुल सही।
चलिए बहुत एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एल्बर्ट बंडूरा की यहाँ पर बात हो रही है। तो बंडूरा बिलीव रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, ओके, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म मतलब पारस्परिक नियतवाद, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, पारस्परिक नियतवाद पे बिलीव करते थे। दिस मीन्स दैट बंडूरा बिलीव रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, दिस मीन दैट, इसका क्या था, मतलब क्या था? द एनवायरमेंट एंड वंस बिहेवियर कॉज ईच अदर, परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनते हैं। सेकेंड, वंस एनवायरमेंट कॉज वंस बिहेवियर, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार का कारण बनता है, ओके, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार का कारण बनता है। थर्ड, वंस एनवायरमेंट रिमेन्स अनएफेक्टेड बाय वंस बिहेवियर, किसी के व्यवहार से किसी परिवेश अप्रभावित रहता है, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश जो होता है अप्रभावित रहता है। एंड फोर्थ, वंस बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वंस एनवायरमेंट, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र है, ओके, मतलब व्यवहार परिवेश पर निर्भर नहीं करता है। और अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते थे इस व्यवहारवाद के बारे में, बंडूरा क्या कहते थे, चलिए सोचिए। एक दूसरे के कारण बनते हैं, परिवेश और व्यवहार, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर एक दूसरे से रिलेट होते हैं, ओके। देन एनवायरमेंट कॉज बिहेवियर, ओके, एनवायरमेंट और बिहेवियर एक दूसरे से अनफेक्टेड होते हैं। एंड बिहेवियर लास्ट वाला ऑप्शन है, एंड बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वंस एनवायरमेंट, यानी बिहेवियर जो है वो एनवायरमेंट से अनफेक्टेड होता है। और तीसरा ऑप्शन है, वंस एनवायरमेंट रिमेन्स अनफेक्टेड बाय वंस बिहेवियर, बिहेवियर से एनवायरमेंट अनफेक्टेड रहता है। मतलब माहौल और व्यवहार की बात हो रही है यहाँ पे, कि माहौल और व्यवहार, चलिए लगाइए कौन सा आंसर लगाएंगे आप, सोचिए। ओके, तो चैट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है कि किसी का परिवेश किसी के व्यवहार का कारण बनता है, किसी का परिवेश और व्यवहार कारण बनता है, मतलब कि एनवायरमेंट कॉजेस वंस बिहेवियर, एनवायरमेंट कॉजेस वंस बिहेवियर। देखिए आप दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं, आप किस माहौल में हैं और आपका व्यवहार क्या है। माहौल व्यवहार को प्रभावित करता है और व्यवहार भी माहौल को प्रभावित करता है, बंडूरा ने कहा। सो द एनवायरमेंट एंड वंस बिहेवियर कॉज ईच अदर, ये एक दूसरे की वजह से होता है, व्यवहार और परिवेश एक दूसरे की वजह से डेवलप होता है। इसका आंसर ए होना चाहिए, लेट्स सी द आंसर, द एनवायरमेंट एंड वंस बिहेवियर कॉज ईच अदर, करेक्ट आंसर ए ही है। चलिए, मेमोरी इज मेजर्ड बाई द मैथड ऑफ, मेमोरी को मेजर करने का मैथड क्या है। तो बहुत ही सिंपल सवाल यहां पे दिख रहा है, मेमोरी को मेजर करने का क्या तरीका है, रिप्रोडक्शन रिकॉल, मतलब कि एक तरीके से पुनरुत्पादन करना, रिकॉल करना यानी चीजों, पुरानी चीजों को याद करना, इंटरव्यू साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, एन एक्सपेरिमेंट प्रयोग। देखिए बेस्ट मेथड जो है वो है मेमोरी, अगर टेस्ट करनी है तो आप उन पुरानी चीज़ों को अगर आप रिकॉल कर सको, याद कर सको, तो ये होना चाहिए इसका आंसर, रिप्रोडक्शन यानी कि रिकॉल करना। यस एग्जैक्टली, रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन, यानी कि पुरानी चीज़ों को एक तरीके से याद करना, वापस अपने मस्तिष्क में लाना, ये मेमोरी की टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेगेटिव एटीट्यूड्स दैट पीपल हैव टुवर्ड्स इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर सेक्स, ओके। नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के किस पद का उपयोग किया जाता है जो लोग उसके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। यस, नकारात्मक दृष्टिकोण, पितृसत्ता, पैट्रियार्की, भाई बिल्कुल नहीं, पितृसत्ता ये लिंग भेद एक तरीके से नहीं है, ओके, एक तरीके से लिंगों का वर्गीकरण नहीं है,
ओके, नकारात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर। जातिगत भूमिकाएं भी नहीं है और लिंग की बात केवल एक ही ऑप्शन में आ रही है, सेक्सिज्म में, यानी कि लिंग भेद में और सोशलाइजेशन। मेरे ख्याल से इसे सरल सवाल कोई हो नहीं सकता है। जिसने इसको गलत किया है वो बेसिकली क्या कहा जाए भाई उनके लिए, ये करेक्ट आंसर इसका लिंग भेद सेक्सिज्म ही है, क्योंकि लिंग की बात एक में ही हो रही है, है ना। कोई ऐसे ऑप्शन भी हमें नहीं दिए गए हैं कि हम उसमें कुछ कह सकें कि जेंडर बायस्ड या जेंडर स्टीरियोटाइप या सेक्सिज्म, ऐसे कुछ आंसर होते तो थोड़ा सा परेशान होते, बट यहाँ पर तो कुछ परेशान होने की भी बात नहीं है। व्हाट इज द टर्म पियाजे यूज इन डिस्क्राइब लिमिटेशन कैरीड आउट विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन नॉट सी। वह क्या शब्द है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया गया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता। ओके, वह क्या शब्द है जिनका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया गया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता है। अब भैया यहां पर खुद आपने आंसर क्लियर कर दिया, जिन्हें कोई देख नहीं सकता है, तो जो देखी नहीं जा सकती है भाई साहब वो क्या होंगी, इनविजिबल होंगी ना। तो इसका आंसर फर्स्ट ही आना चाहिए इनविजिबल। मुझे भी इसकी जानकारी हालांकि नहीं है कि ऐसी कौन सी हिस्सों के साथ नकल वर्णन, नकल की गई नकल के लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, ये मुझे भी जानकारी नहीं है, बट ऑप्शन में देखने में समझ में आ रहा है कि इनविजिबल इमिटेशन। ओके, मतलब कि जो नकल दिखाई नहीं देती है, ओके, तो उसे इनविजिबल इमिटेशन बोलना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि अदृश्य की बात की गई। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा मतलब अदृश्य की बात की गई। स्थानीय नकल स्पैटियल नकल, दर्शनीय नकल विजिबल नकल एंड मॉडल नकल नो। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो आंसर बिल्कुल सही है अपना, इनविजिबल इमिटेशन ही करेक्ट आंसर है क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, तो कुछ आंसर आप पढ़े हो ना पढ़े हो आपको क्वेश्चन देख के ही मिल जाता, तो कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से मिल जाए। वंस हेरिडिटी इज डिटरमाइंड बाय द टाइम ऑफ, किसी की अनुवांशिकता किससे किसके समय पर निर्धारित की जाती है। अनुवांशिकता जो है किसकी, किसी की अनुवांशिकता किस चीज़ के समय पर निर्धारित की जाती है कि वो अनुवांशिक लक्षण लेकर के आया है बच्चा या नहीं आया। एक फर्स्ट है मैच्योरिटी, गर्भधारण, विकास, जन्म। देखिए जो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी मतलब कि जो आपकी अनुवांशिकता होती है वो कब कब आ जाती है अनुवांशिकता भाई, जिस समय आपका कंसेप्शन होता है, गर्भधारण होता है, तभी आ जाती है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता ऐसा नहीं होता कि एकदम से 12वें साल में पैदा हो गई फट से, ओके ना। तो वो जैसे आपका जन्म होने के पहले ही आपके अंदर आ जाती है। तो मैच्योरिटी, परिपक्वता मुझे गलत लग रहा है, विकास मुझे गलत लग रहा है, बर्थ मुझे गलत लग रहा है, गर्भधारण ज़्यादा करेक्ट आंसर लग रहा है। सो 18 का जो आंसर है बी होना चाहिए और वाकई में बी ही है सही है जवाब, एक मार्क्स मिल गए। चलिए अगला, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स, परामर्श में शामिल होता है काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग जानते हैं आप सभी लोग, परामर्श करना एक तरीके का। तो काउंसलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट कंसल्टेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द काउंसलर इंडिविजुअल, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच में विचारों का आदान प्रदान एवं परामर्श, एडवाइस फ्रॉम द काउंसलर एंड द इंडिविजुअल ओनली, केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह देना। मतलब व्यक्ति जो है बिल्कुल मुंह बंद करके सुनेगा और परामर्शदाता जो है सलाह दे जाएगा, केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, प्रॉब्लम शेयरिंग बाय द इंडिविजुअल विद द काउंसलर ओनली। तो काउंसलर को समस्या साझा करेगा और बाकी समाधान की बात नहीं होगी। जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाला विद्यालय, वाह भाई बहुत बढ़िया, ऑप्शन तो देखो है ना, बिल्कुल कुछ भी कह देते हैं भाई। काउंसलर क्या, काउंसलिंग कोई विद्यालय बस की चीज़ नहीं है कि स्कूल आइडेंटिफाइंग इशूज विद द चिल्ड्रन विद द नीड्स, उसको हम काउंसलिंग इन्वॉल्व कहते हैं कि हम जो है जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करें, करने वाले विद्यालय को नाम भी लिख दिया कि करने वाले विद्यालय। चलिए, तो ये तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, ठीक है ना। और देखिए, परामर्शदाता व्यक्ति के द्वारा केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, ओके, प्रॉब्लम शेयरिंग बस करिए, कोई सलूशन की बात नहीं हो रही है। एडवाइस फ्रॉम काउंसलर मतलब ये सामने वाला बंदा मुंह बंद करके बात करेगा, ये भी नहीं है। तो विचारों का आदान प्रदान होगा और परामर्श होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आदान प्रदान मतलब दोनों तरफ से बातें होंगी। एक अच्छी काउंसलिंग तभी होती है जब पूरी बात सुनी जाए सामने वाले की, तभी काउंसलिंग होती है। यस, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वोकेशनल ट्रेनिंग टू द पर्सन विद लोकोमीटर डिसेबिलिटी। ओके, लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति के व्यावसायिक परीक्षण खालिस्तान डोमेन से अधिक संबंधित है। वोकेशनल ट्रेनिंग टू द पर्सन विद लोकोमीटर डिसेबिलिटी इज मोर रिलेटेड टू द डोमेन।
बच्चा बंदा कैसा है, लोकोमोटर दिव्यांगता वाला है, मतलब कि एक तरीके से वो जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी उसके अंदर है। तो उसको अगर आप व्यावसायिक परीक्षण करा रहे हैं तो ये जो है कौन से डोमेन में आएगा, कौन से एरिया में आएगा? नंबर वन कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक डोमेन में आएगा, इसमें से किसी में नहीं आएगा। इफेक्टिव डोमेन में आएगा या साइकोमोटर डोमेन में आएगा? ओके, कॉग्निटिव इफेक्टिव यानी प्रभावी या साइकोमोटर डोमेन, वो हो अब तो ये पढ़ा होना चाहिए भाई। सोचिए सोचिए कौन से डोमेन में आएगा। साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, नन ऑफ दीज, कॉग्निटिव। देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षण यहां पे हो रहा है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण एक तरीके का क्या है भाई? व्यावसायिक प्रशिक्षण क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग है। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग है, मतलब बंदा जो है किसी चीज के काम धंधे के लिए प्रशिक्षण लेने वाला है। तो ये संज्ञानात्मक नहीं है क्योंकि जाकर के सीखने जा रहा है। संज्ञानात्मक प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है ये, इसमें इसके हाथ पैर भी चल सकते हैं, इसकी डिसेबिलिटी के आधार पे जैसी डिसेबिलिटी है। तो ये जहाँ तक होना चाहिए मुझे लग रहा है प्रभावी और साइकोमोटर में से एक होना चाहिए, बट हाथ पैर इत्यादि चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये साइकोमोटर टाइप की एबिलिटी होनी चाहिए, तो ये साइकोमोटर डोमेन में आना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। एग्जैक्टली, तो ये साइकोमोटर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोशल लर्निंग थ्योरिंग वॉज प्रोड्यूस बाई, ओके सोशल लर्निंग थ्योरिंग किसने बताया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ क्वेश्चन आया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने बताया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत फ्रायड ने, ओके बंडूरा ने, स्किनर ने, पावलाव ने, बताओ भाई। सामाजिक जो लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने डेवलप की थी? सोशल लर्निंग लर्निंग थ्योरी, तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो डेवलप की थी वो थी बंडूरा की थी शायद। ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी, समाजवाद को इन्होंने जोड़ा था लर्निंग से। अभी हमने शायद एक क्वेश्चन भी किया था बंडूरा को लेकर के, शायद देख लेते हैं वो क्वेश्चन एक बार, थोड़ा सा हिंट मिल जाए उससे। यस, तो ये बंडूरा का क्वेश्चन है। तो इन्होंने परिवेश को जोड़ा था किससे? रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। ओके, परिवेश व्यवहार का कारण बनता है और परिवेश और व्यवहार एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, एक दूसरे का कारण बनते हैं। तो जो परिवेश है वही एक दूसरे एक तरीके का समाज है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पर किसने दी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पर जो है दी थी बंडूरा ने। तो इसका करेक्ट आंसर टू होना चाहिए। तो पावलाव ने तो क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। ओके, चलिए तो करेक्ट आंसर इसका बंडूरा, बिल्कुल सही। सोशली एमेच्योर स्टूडेंट्स आर नोन एज फॉलोइंग स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो सोशली यानी कि सामाजिक रूप से अनेच्योर अपरिपक्व होते हैं, उन अपरिपक्व छात्रों को हम क्या जानते हैं? डिपेंडेंट यानी कि निर्भर, दूसरा अलग थलग, और तीसरा फैंटम यानी कि आभासी, और चौथा होता है सोशल यानी कि सामाजिक। ऐसे छात्रों को हम कैसे जानते हैं? अब भैया अब सोशली इमेच्योर है तो सोशल तो हो नहीं सकता है। ओके, सोशली इमेच्योर है मतलब सोशल तो हो नहीं सकता है वो छात्र। ओके, फैंटम आभासी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि कोई छात्र आभासी कैसे होगा भाई, कोई आत्माभूत तो है नहीं कि कोई छात्र आभासी हो जाए। ओके, डिपेंडेंट यानी कि निर्भर, एंड एलियनेटेड यानी कि अलग थलग, एलियनेटेड यानी कि अलग थलग, डिपेंडेंट मीन्स निर्भर और एलियनेटेड मीन्स अलग थलग। ओके, डिपेंडेंट एंड एलियनेटेड, तो सोशली इमेच्योर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोशली इमेच्योर स्टूडेंट्स, तो दो ऑप्शंस यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, या तो एलियनेटेड हैं वो बच्चे या निर्भर बच्चे हैं, डिपेंडेंट है। सोशली परिपक्व छात्र जो हैं या तो आपके डिपेंडेंट हैं या वो निर्भर हैं, निर्भर हैं या एलियनेटेड यानी कि अलग थलग है। तो लेट्स, इसके आंसर दो एक जैसे लग रहे हैं, अब देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर बता पाना मुझे मुश्किल लग रहा है। चलिए, मुझे लग रहा है कि एलियनेटेड होना चाहिए क्योंकि अलग थलग टाइप के छात्र जो हैं एलियनेटेड कहला सकते हैं। सोशली इमेच्योर, जो सोशल टाइप से इमेच्योर हैं।
चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आया है डिपेंडेंट। तो इसका आंसर मैं अलग थलग कह रहा था, वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है डिपेंडेंट छात्र होंगे। चलिए नेक्स्ट। सोशल नॉलेज दैट इज ऑब्टेन थ्रू फ्रॉम अदर पीपल, अन्य लोगों से के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब अन्य लोगों से जो सामाजिक ज्ञान आपको प्राप्त होता है, अन्य लोगों से जो सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है वो जो है वो किस माध्यम से प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, तो बात कर रहे थे कि सोशल नॉलेज इज ऑब्टेन थ्रू फ्रॉम द अदर पीपल। सोशल नॉलेज जो है वो किस चीज़ से प्राप्त होता है। ओके, तो बात कर रहे हैं सोशल नॉलेज किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। ओके ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे आंसर ही शो कर दिया है। सो सोशल नॉलेज जो है प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक से प्राप्त होता है। ओके ऑप्शन थे, इसका डिस्कस नहीं कर पाए हम लोग, माफ़ कीजिएगा। सो प्रतिक्रिया, फीडबैक, डिस्करेजमेंट, हतोत्साहन, बिल्कुल नहीं। सोशल नॉलेज हतोत्साहन, प्रोत्साहन एक पार्ट हो सकता है, लॉजिक नहीं चलते हैं सोशल नॉलेज के लिए। सोशल नॉलेज में बातचीत चलती है और उसके बाद फीडबैक जो मिलता है उसके हिसाब से सोशल नॉलेज लिया जाता है, सोशल नॉलेज वहाँ से मिलता है। चलिए अब गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गार्डनर का आ गया है। ओके चलिए, अकॉर्डिंग टू द गार्डनर स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, गार्डनर का जो सिद्धांत है, अकॉर्डिंग टू द गार्डनर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है, आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है गार्डनर की थ्योरी के अनुसार। नंबर फर्स्ट है द एबिलिटी टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस इन ऑन वंस इनिशियल परसेप्शन, किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। द एबिलिटी टू कम कंटेम्पलेट बिग क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इन द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की, सॉरी बेटर डिसीजन नहीं है, डिस्टिंक्शन है। द एबिलिटी टू मेक डिस्टिंक्शन इन द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता। एंड फोर्थ पॉइंट द नॉलेज ऑफ वंस ओन स्ट्रेंथ वीकनेस डिजायर्स एंड इंटेलिजेंस, अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। बताइए आध्यात्मिक बौद्धिकता कौन सी चीज़ है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है। आप अगर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं तो आप क्या कर पाएंगे, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं तो आप क्या कर पाएंगे। स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं तो आप क्या कर पाएंगे। प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता यानी द एबिलिटी टू मेक डिस्टिंक्शन इन नेचुरल वर्ल्ड, नहीं मैं एग्री नहीं करूंगा, नेचुरल वर्ल्ड में नहीं करेंगे। द नॉलेज ऑफ वंस स्ट्रेंथ वीकनेस, अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं, बुद्धिमत्ता का ज्ञान, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाता है, बौद्धिकता की, अध्यात्म की तरफ नहीं जाता। अध्यात्म जो होता है ना वो जीवन से रिलेटेड हुआ करता है। देखिए थोड़ा सा सोचिएगा ना तो अध्यात्म के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मेन वर्ड है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है, अपने जीवन को जानना ना। ओके ओके, आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है, आत्मा का अध्ययन। तो किसी की प्रारंभिक धारणाओं में, भाई हम क्यों किसी की बात करें, हम क्यों किसी की बात करें, अध्यात्म स्वयं का अध्ययन है। तो ये जीवन के उद्देश्य से संबंधित जटिल समस्याओं, तो आप समझ पा रहे होंगे अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि पहले आपके आंसर कुछ और आ रहे थे, बट जब आपने सोचा कि मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में कि अध्यात्म, ओके आत्मा का अध्ययन अध्यात्म होता है। सो इस तरीके से इसका आंसर ये होना चाहिए। और देख लेते हैं, यस द एबिलिटी टू कंटेम्पलेट बिग क्वेश्चन अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य में संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इस पे आता ही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का है अ प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है। ओके वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है, इसमें कह रहा रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा है, ठीक है ना। तो वैल्यू जजमेंट क्या होता है कि आप फाइनली कोई जजमेंट नहीं देते हो, रचनात्मक मूल्यांकन कोई चलता रहता है एक तरीके से, कभी ख़त्म नहीं होता है ना। तो ये हो सकता है, अभी आप आंसर देखते हैं। परफॉर्म बाय इवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग बाय कंपेयरिंग विद बेंचमार्क, मानदंड के साथ तुलना करके छात्र के अधिगम के मूल्यांकन को क्रियान्वित किया जाता है। परफॉर्म बाय इवेल्युएटिंग स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग ए बेंचमार्क, याद रखिएगा कि इसमें कोई बेंचमार्क नहीं होता है,
इसमें कोई बेंचमार्क नहीं होता है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के दौरान ही किया जाता है, तो इसमें बेंचमार्क नहीं है। ओके देन क्या है, देन है यूज्ड फॉर रेटिंग द लर्नर थ्रू हाई पॉइंट वैल्यूएशन। यूज्ड फॉर रेटिंग द लर्नर थ्रू हाई पॉइंट वैल्यूएशन, उच्च कोटि के मूल्यांकन से शिक्षार्थी लर्नर की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नो नो वे भैया, योग्यता निर्धारित करने का कोई काम रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं होता, कोई IAS की डिग्री नहीं मिल रही है। ओके लेस बेनिफिशियल फॉर द टीचर एज इट डज नॉट हेल्प टू नो द वीकनेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लर्नर। अरे काहे को नहीं है भैया, रचनात्मक मूल्यांकन से तो बहुत ज़्यादा पता चलता है बच्चे का कि बच्चा के सीखने की रफ्तार क्या है, ये पता चल जाता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। तो सभी ऑप्शंस में मेरे को इसका ऑप्शन ए लग रहा है कि द प्रोसेस दैट नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल तय है। सो करेक्ट, अ प्रोसेस दैट नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रोल ऑफ टीचर इन ए प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा जो कि जीवन यापन के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की बात करती है, कि ऐसी शिक्षा जो प्रोग्रेसिव हो, जो आगे भी चलती रहे, आगे भी काम में आए आपके जीवन में हर मोड़ पर, उसमें आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन कही जाती है। तो जॉन डीवी का कंसेप्ट यहाँ पर आता है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की विशेषता, शिक्षक का काम क्या है, डिसिप्लिनेरियन, अनुशासक जो डिसिप्लिन को मेंटेन करे। ओके इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक। ओके एंड पाठ योजना कर, तो देखिए जो यदि आपने प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ा है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक जो होता है वो कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए नहीं आता है, वो निर्देश भी नहीं देता है। ओके वो केवल क्या करता है, बच्चों को गाइड करता है। ओके पाठ योजनाकार भी कुछ नहीं होता इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर एंड गाइड में ज़्यादा अच्छा आंसर क्या होगा इसका, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करके चला जाता है, हेल्प नहीं करता है, बट मार्गदर्शक जो होता है वो पूरे टाइम हेल्प करने के लिए मौजूद रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है मार्गदर्शक है। यस एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पीयर असेसमेंट इज वैल्यूएबल बिकॉज। पीयर असेसमेंट मतलब ये दो दोस्त बैठे हैं, ये इसका मूल्यांकन कर ले, ये इसका मूल्यांकन कर ले एक तरीके से। ओके पीयर असेसमेंट क्यों जरूरी है, इट इनकरेजेस कॉम्पिटिशन एमंग द स्टूडेंट। यार देखो शिक्षा जो है ना कभी भी कॉम्पिटिशन को सपोर्ट नहीं करती है, गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब शिक्षा नहीं होता है, शिक्षा का मतलब होता है समग्र विकास, तुम भी बढ़ो हम भी बढ़ें, तो ये नहीं है। पीपल्स मे एक्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम वन अनदर ऑन देयर वर्क, बच्चे एक दूसरे से अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। स्टूडेंट नो देयर रैंक इन द क्लास, नो नेवर, बिल्कुल नहीं। रैंक जानने की बात फिर से आप मत करिए कि रैंक से पता चल जाएगी तो बहुत ये हो जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट क्या है कि इट रिड्यूसेस द वर्क फ्रॉम टीचर एंड एस टू एस द स्टूडेंट, क्योंकि ये छात्र मूल्यांकन के लिए शिक्षा के कार्य, शिक्षकों के कार्य को कम करता है। ऐसा तो नहीं है, देखो ये नेगेटिव बात है शिक्षकों के लिए तो मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि पीयर असेसमेंट का शिक्षक से कोई रोल नहीं है। पीयर असेसमेंट बच्चे एक तरीके से खुद के लिए, पीयर असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि बच्चे आपस में एक प्रतिक्रिया कर सकें और पता कर सकें, तो ये मैं बिल्कुल इसमें एग्री नहीं हूँगा। तो करेक्ट आंसर मुझे इसका सेकेंड लग रहा है। चलिए देखते हैं, पीपल्स में फीडबैक फ्रॉम वन अनदर वर्क, यस बिल्कुल सही है, पीपल्स में एक्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम वन अनदर वर्क, एक दूसरे से वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द फैबिनो पहलम मोनोस गैनी एट गिल, एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स इंक्लूडिंग एग्रेसिव डिस्ट्रक्शन एग्रेसिवनेस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड नॉन कॉम्पिटेंस इन क्लासरूम इज। ओहो देखिए भाई, अब सीधी बात है, ये क्या आप पढ़ के आए हैं, फैबिनो पहलम मोनोस ग्रैगी एटल जो भी हैं भाई साहब, ये मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये क्या है इनके बारे में, क्योंकि संभव नहीं है कि आप हर मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ लें, और उद्देश्य भी मत रखिएगा कि 30 में से 30 मार्क्स, आप पेपर बहुत सरल हो तो ला सकते हैं, बट जैसा ये पेपर आया है इसमें से 30 में से 30 मार्क्स लाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मनोवैज्ञानी है जो भी गनेटेल, इनके अनुसार कक्षा में आक्रामकता, गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सही विघटनकारी व्यवहार को कम करने के लिए एक प्रभावी साधन है। क्या है भाई साधन,
देख लेते हैं, अब अपने अनुभव के आधार पे हम बात करेंगे। टाइम आउट TO, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, मतलब बच्चे को रीइन्फोर्समेंट दिया जाए वो भी पॉजिटिव टाइप का, मतलब बच्चे को सकारात्मक तरीके का सुदृढ़ीकरण दिया जाए। टाइम आउट TO, ये क्या लिख दिया, टाइम आउट इन द क्लासरूम, कक्षा में टाइम आउट TO, आई डोंट नो ये टाइम आउट का मतलब क्या है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, बिल्कुल बात नहीं करता शिक्षा विभाग इसकी। एंड निरोध यानी डिटेंशन, डिटेंशन मतलब उस बच्चे को खारिज कर दो, स्कूल से निकाल दो, ये कर दो। तो जो है ये चीजें हैं, तो इसमें क्या सपोर्ट करेगा आपको, तो मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देके मैं बच्चे को सुधार सकता हूँ। लेट्स सी करेक्ट क्या है इसका आंसर है, बिल्कुल सही है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। देखो अब अपन ने पढ़ा नहीं है इनके बारे में, और किसको टाइम है भाई पढ़ने का, कौन जा करके उसमें पढ़ रहा है इतना ज़्यादा डीप में। भाई हम कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं कि हमें इनकी एक एक लाइन पता हो, हमें तो काम निकालना है एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। तो आप थोड़ा सा इसमें खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं ना। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है। समटाइम्स चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस आर डिसिमिलर टू द बोथ ऑफ पेरेंट्स, मतलब बच्चे जो होते हैं अपने बिल्कुल मम्मी डैडी से मैच नहीं खाते हैं, ये क्यों है, ये लॉ क्या है। सेग्रेशन विविधता, वेरिएशन, सेग्रेशन मतलब पृथककरण, वेरिएशन मतलब विविधता, डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व, एंड रेग्रेशन यानी प्रतीप गमन। ओके रेग्रेशन, बताइए भाई बच्चे माता पिता से अलग होते हैं, वेरिएशन कह सकते हैं क्या इसको, डोमिनेंस प्रभुत्व, रेग्रेशन प्रतीप गमन, एंड सेग्रेशन यानी पृथककरण। ओके मेरी जानकारी में केवल यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने पढ़ा हुआ है जिसका नाम है वेरिएशन, मुझे समझ में आ रहा है। बाकी प्रभुत्व, डोमिनेंस, डोमिनेंस स्टेट में तो एक किसी का माता का अधिकार होता है या पिता का अधिकार होता है, डोमिनेंस तो हो नहीं सकता है। सेग्रेशन पृथककरण, ये कोई बायोलॉजिकल टर्म तो है नहीं यार, ये कोई केमिस्ट्री तो चल नहीं रही है सेग्रेशन, तो मैं इसमें ये तुक्का ही कह लो, मैं इसमें वेरिएशन पे तुक्का लगाऊंगा। लेट सी सही होता है कि नहीं होता है। तो बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं तो इसका कॉज हो सकता है वेरिएशन। एग्जैक्टली बिल्कुल सही वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेनबर्ग आ गए हैं, स्टेनबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यस, स्टेनबर्ग ने बुद्धिमत्ता का सिद्धांत जो दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व फाइंडिंग ए सोल्यूशन विद द प्रॉब्लम, तो इसमें से बच्चे कौन सा जो चीज़ है वो किसी समस्या का हल निकालने के लिए सपोर्ट करती है। फर्स्ट, बुद्धिमत्ता के, स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा, किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है, एप्लीकेशन, प्रतिचरण, इनकोडिंग, रिस्पॉन्स। देखो समस्या का हल की बात की जा रही है, तो समस्या का हल जो होगा उसका जो आंसर होगा, अब हर कोई जवाब दे सकता है भाई, एप्लीकेशन में वो सॉल्व करेगा, प्रतिचित्रण मतलब मैप दिमाग में फ्रेम बनाएगा, संकेतन इनकोड करेगा, क्वेश्चन को अपनी भाषा में इनक्रिप्ट करेगा, एंड जो फाइनली आंसर होगा, रिस्पॉन्स जो आंसर आएगा, समस्या समाधान वो रिस्पॉन्स में देगा। तो फोर्थ आंसर हर किसी से बन सकता था, करेक्ट आंसर है रिस्पॉन्स। सो गाइज यहाँ पर हमारी 30 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला होती है यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और इनका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। जुड़े रहिए लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन के साथ में, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।